तो गर्मी की छुट्टियां आज से शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग का ये दावा था कि 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी छुट्टियों में टैबलेट से ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, लेकिन विभाग जिले भर के सभी विद्यार्थियों को छुट्टियों से पहले टैबलेट बांटने में नाकाम साबित हुआ है। जिले भर में कक्षा 10वीं और 12वीं के कुल 15,179 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करने की योजना है। बगैर टैबलेट विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाया जाएगा, इसको लेकर के दुविधा की स्थिति बनी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक विद्यार्थियों को वितरित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में टैबलेट आए हुए हैं, लेकिन सिम कार्ड एक्टिवेट न होने के कारण अभी तक टैबलेट बांटे नहीं जा सके हैं। शिक्षा विभाग अभी तक मात्र 1054 बच्चों को ही टैबलेट वितरित कर पाया है। 12-20 अभी जो है 15,179 टैबलेट्स और आए हैं हमारे पास, और उनमें अभी सिम का एक्टिवेशन होना है। जैसे ही उनका सिम का एक्टिवेशन उनका हो जाएगा, वो 15,179 टैबलेट्स भी बच्चों को और जिन अध्यापकों के लिए वो आए हैं उनको दे दिए जाएंगे। टोटल 22 जिले हैं हरियाणा में, 15 जिलों के अंदर एक्टिवेशन का काम चल रहा है, 7 जिलों में अभी धीरे धीरे हो रहा है। एक दिन में सारा काम नहीं हो सकता, तो 7 जिले जो पेंडिंग है अभी, उनमें सभी के अंदर ही जो है वो तभी दिए जाएंगे टैबलेट्स जब एक्टिवेशन उनका हो जाएगा सिम्स का। और ये जल्दी होगा, क्योंकि जो सरकार है हमारी और जो हमारे निदेशक महोदय हैं वो इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और वो जल्द से जल्द इस काम को करा रहे हैं। अभी